फ्रेंड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखें इस एक्सरसाइज में जो हम लोग किस तरीके के हम लोग फैक्टर जो पढ़ने वाले फैक्टराइजेशन के टाइप वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आपको पास इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन होगी जैसे a² b² + b4 और या फिर आपको a² + b4 b4 इस तरीके के आपको जो है टाइप के क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन में आपको मिलेंगे, इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस पार्ट में मिलेंगे। तो इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखें ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब देखें ये टाइप बन रही है a² + a² + b² + b4। अब इनको सबसे पहले आपने अरेंज कर लेना है। अरेंज किन किन को करना है? 4 वाले टर्म्स को एक साथ, जैसे a² + x² + a² + x², उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये 4 वाली टर्म होगी इनके आपने स्क्वायरिंग कर लेनी है, जैसे a² का स्क्वायर और x² का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 2ab, ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया +a² x² मैंने देन ऐड करना है एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। अब a यहां पर मेरा क्या है a² और b क्या है मेरा x². अच्छा इसको होगा क्या इसको करने से, देखिए इनको मैं यहां पर मैंने ऐड कर लिया 2ab, और यहां मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया 2ab, और ये +a² x² वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये पूरा किसके बराबर हो रहा है, a² + b² + 2ab ये किसके बराबर होता है a + b² तो a यहां पर हमारा a² और b हमारा यहां पर क्या है x², ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें -2a² x² + a² x² -2 + 1 -1 बचेगा, तो ये हमारा बच गया -a² और x², ठीक है। अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करूं तो ये u बन जाएगा ax² ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये फॉर्मूला पूरा किसका बन रहा है a² - b² हमने फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² का, तो वो a² - b² क्या होता है a + b, यानी a² + x² + ax, इनको मैंने ब्रैकेट में कर लिया, और a² a - b, एक दफा a प्लस बी और एक दफा a माइनस बी। a यहां पर हमारा a² + x² है और b हमारा ax है। तो फ्रेंड्स ये मैं अपना जो क्वेश्चन है मैं यह मैं बता देता हूं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a² - b² = a + b और a - b, ठीक है। और यहां पर हमने जो था a + b² यूज किया था, तो बिकॉज a + b² = a² + 2ab + b² ये मैंने फॉर्मूलाज बता दिए जो हमने यूज किया, ठीक है फ्रेंड। अब मैं अपना आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने यहां पर इनको ब्रैकेट्स में ये वाले ब्रैकेट्स में किया हुआ है, तो हम भी इन्हीं में कर देते हैं, बाकी हमारा ये पूरा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इसे आंसर कर देता हूं। फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने b4+1 को एक साथ रख लेना है, आपने अरेंजिंग द टर्म्स करनी है, रीअरेंज द टर्म्स। उसके बाद b4+1 को आपने एक साथ लग लिया और b² को अलग कर लिया। अब b4+1 का जो है आपने इनको जो है आपने इसका b इनका स्क्वायर बना लेना। b4 का स्क्वायर कैसे बनेगा b² का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, 2ab मैंने ऐड किया, 2a मेरा यहां पर क्या है b² और b क्या है मेरा 1, इनको मैंने इस ब्रैकेट में कर लिया, और -2ab -2
ए मेरा यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर और बी क्या है मेरा वन और प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये कौन सा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है मेरा बी स्क्वायर और बी क्या है मेरा वन इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू वन जा टू टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने बता दिया कि हमने क्या यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के। उसके बाद ये बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बचेगा माइनस बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं तो कैसे बनेगा बी का आप होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखें ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ये मेरी यहां पर ए जो है वो पूरी वैल्यू कौन सी है बी स्क्वायर प्लस वन और बी कौन सा है जो बी ही है। उसके बाद ए माइनस बी ए माइनस बी ए मेरा क्या है बी स्क्वायर प्लस वन माइनस बी। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं बी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी और बी स्क्वायर प्लस वन माइनस बी ठीक है ये मेरा आंसर आ गया। और फ्रेंड मैं यहां बता देता हूं कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था यहां हमने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर थ्री ये मैंने सॉल्व कर लिया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग का कुछ इशू हो गया था इस वजह से अब यह सॉल्व कर चुका हूँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने रीअरेंज द टर्म्स कर लिया ठीक है ए एट प्लस एक्स एट को मैंने एक साथ रख लिया और ए फोर एक्स फोर मेरा एक तरफ हो गया। अब मैंने ए एट और एक्स एट का स्क्वायर किया किस तरीके से होगा ए की पावर फोर हो फोर टू द एट एक्स की पावर फोर हो फोर टू द एट। अब यहाँ मैंने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया टू ए बी अब 2 मेरा a जो 2 आ गया a मेरा क्या है यहाँ पर a4 और b मेरा क्या है x4 मैंने ऐड कर लिया 2ab 2ab और सबट्रैक्ट कर लिया 2ab और ये a4 x4 वैसे ही आ गया ठीक है। अब देखें ये पूरी चीज किसके बराबर हो रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर a यहाँ पर हमारा a4 है और b हमारा यहाँ पर x4 है। अब माइनस टू ए फोर एक्स फोर वैसे ही आ गया a4 x4 वैसे ही आ गया अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस टू ए फोर एक्स फोर प्लस ए फोर एक्स फोर यानी माइनस टू प्लस वन क्या बचेगा माइनस वन ए फोर एक्स फोर आ गया। अब ए फोर एक्स फोर का मैंने स्क्वायरिंग किया कैसे होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर कर ले तो ए फोर एक्स फोर बन जाएगा ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यहां समझ ले ए जो है वो हमारा ए फोर प्लस एक्स फोर ये पूरा किसके बराबर है ए के और जो एक्स टू ए टू एक्स टू ये हमारा किसके बराबर है बी के। यह हमने बता दिया हमने ये फॉर्मूले के तहत ये a प्लस बी ए माइनस बी किया ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट से मैंने ओपन कर दिया ए फोर एक्स फोर प्लस ए टू एक्स टू उसके बाद ए फोर प्लस एक्स फोर माइनस ए टू एक्स टू ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप के फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर फोर इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें आपने सबसे पहले रीअरेंज द टर्म्स कर देना है अब आप इसमें कौन सी टर्म्स को रीअरेंज करेंगे एक आपकी पावर जिसकी जेड पावर एट है वो और एक आपका वन इनको आप अरेंज करेंगे और जेड फोर आपका एक तरफ हो जाएगा ठीक है। अब आप इनकी स्क्वायरिंग कर ले देखिये Z8 है उसका स्क्वायर किस तरीके से बनेगा Z की पावर 4 और स्क्वायर आ जाए और 1 का स्क्वायर किस तरह होता है 1 का स्क्वायर करें वो 1 ही होता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab जो हम करते आ रहे हैं 2a हमारा यहाँ पर क्या है Z4 और b क्या है हमारा 1 इनको मैंने ब्रैकेट में कर लिया
इसी तरह माइनस टू ए बी किया, ए हमारा यहाँ पर क्या है जेड फोर, बी क्या है हमारा वन, और ये प्लस जेड फोर आ गया। यह मैंने बता दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू ए बी, ए हमारा यहाँ पर जेड फोर है और बी हमारा क्या था वन। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये पूरा किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा पास जेड फोर है और बी हमारा क्या है वन, इसका आपने स्क्वायर कर लिया, माइनस टू बंदर टू माइनस टू जेड फोर बचा आपका और जेड फोर आ गया। ठीक है, अब आपने टू जेड फोर माइनस टू जेड फोर और प्लस जेड फोर माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा तो माइनस जेड फोर बचा। यहां आपने बताया कि ये किस फॉर्मूले के तहत आया था, यह आया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये इसका आपने स्क्वायर कर लिया, देखिए इसका स्क्वायर कैसे होगा, z 4 था ना तो z स्क्वायर का स्क्वायर कर ले, z आपका ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी a हो गई, यहाँ पर आप समझ ले let a is equals to हमारा क्या है z 4 plus 1 और b हमारा क्या है z 2। अब फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, ए हमारा जेड फोर प्लस वन था, इसी तरह ए माइनस बी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो आपका बचेगा यही जेड फोर प्लस वन प्लस जेड स्क्वायर, जेड फोर प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स ये आगे सॉल्व होगा तो मैं ये ऊपर से रफ कर रहा हूं, ये वाला इस पार्ट इसका थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, देखिए z4 अब मैं इनको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, z4 प्लस वन प्लस जेड स्क्वायर और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ठीक है z4 प्लस वन का कैसे बनेगा, z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और वही प्रोसेस अपनाएंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट टू ए बी, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट किया मैंने टू ए बी टू जेड स्क्वायर 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं और ये प्लस जेड स्क्वायर हमारा यहां आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम बड़ी कर ली ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं और ये वाली चीज हमारा यहां आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर हमारा जेड स्क्वायर है बी हमारा वन है इसके बराबर। अच्छा माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ये कितना बच जाएगा हमारा माइनस जेड स्क्वायर, इसको हमें एक तरफ कर लिया और ये वाला हमारा जेड फोर माइनस जेड स्क्वायर वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैं नीचे से रफ कर देता हूं, देखिए इसका हम लोग जेड स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं, कैसे बनेगा, जेड का आप स्क्वायर कर दे और ये जेड फोर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन यहां पर वैसे ही आता रहेगा। अब देखिए ये पूरा किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी और ये हमारा वैसे ही आ गया। अब ये ब्रैकेट्स में ओपन कर देता हूं, जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस जेड फोर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन, और बुक में इनको तरतीब से देखा जाए तो जो यहां पर z आएगा, सॉरी सॉरी ये z है, अब क्योंकि हमने z का स्क्वायर किया था, बुक में आपको जो आंसर लिखा हुआ है z स्क्वायर, ये z पहले लिखा है और 1 बाद में लिखा है, इसी तरह ये z पहले लिखा है और 1 बाद में लिखा है। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर आ गया। फ्रेंड आई होप कि ये थोड़ा बड़ा सवाल था,
लेकिन आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। देखिए इन क्वेश्चन में हम जो इसकी टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी वो जो ये देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म का जो आपकी वेरिएबल है उसकी पावर स्क्वायर है, दूसरी की 1 है और तीसरा आपका कॉन्स्टेंट है। तो ये जो आपकी बीच वाली टर्म है जिसका पावर 1 है उसको आपने ब्रेक करना होता है। अब फ्रेंड ये किस तरीके से करते हैं ये आप सीखिए, ये एक क्वेश्चन को आप सीख लें ये आपको आगे सारे क्वेश्चन में आसानी आपको हो जाएगी करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इनमें देखा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, मैं देखा 2 के टेबल में 42 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, मैं 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो मेरा क्या बच जाएगा 2 के टेबल में 42 कब आएगा 221 का एक्स स्क्वायर। अब 2 के टेबल में 2 मैंने कॉमन निकाला, 2 के टेबल में 8 कब आता है 24 का 8 एक्स आ गया, और 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 से ये आ गया। अब देखिए इससे क्या हो जाएगी थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी कॉमन निकालने से। देखिए इसको किस तरीके से करना होता है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है और वो वाली टर्म जो आप जिसका आपकी पावर जो है वो स्क्वायर में है उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना मैंने 21 से, 1 को 21 से किया मेरा क्या आंसर बना 21। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो आंसर क्या बने मेरा 21, और उनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा क्या बचना चाहिए -4। अब ये देखें ये कैसे होगा, अब मैंने पढ़ा 7 3 21, 7 3 21 अच्छा, और अगर मैं कर दूं -7 + 3 कितना मेरा बच जाएगा -4, तो हमें -4 ही बनाना था। इसका मतलब 7 × 3 से जो है वो 21 बना, और -7 + 3 = -4, तो ये इन दो हिस्सों में ब्रेक होगा। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 21 x square, ये -4 था कितने दो हिस्सों में ब्रेक हुआ -7 x + 3 x और -1। अब क्या करना फ्रेंड आपने ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, इन दो टर्म्स में मैंने कॉमन निकाला, देखिए कॉमन क्या आ रहा है 21 और 7, 7 के टर्म में 21 आते हैं 7 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है, आपको मालूम है जब कॉमन निकालने होते हैं तो जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है। अब 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 से, 7 3 = 21, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ x की पावर 2 थी और 1x मैंने बाहर निकाला है तो 1x बच जाएगा। अब 7x बाहर है और पूरा 7x बाहर है तो सिर्फ 1 बचेगा प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाता है और ये टर्म दोनों वैसी आ जाएंगी। याद रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी, ठीक है ये दोनों सेम आ गई है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मैं एक साथ लिख लूंगा, एक दफा लिखूंगा मतलब, और जो मैंने इनके कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिखूंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया है, मैं ये आंसर अपना वेरीफाई कर लेता हूं बुक से। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है, ये कर्ली ब्रैकेट्स अब आप यहां नहीं लगाएंगे, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 21 से, तो 21 से किया तो आंसर मेरा क्या है 21। अब आपको मालूम है ऐसा टेबल पढ़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 21 है और प्लस या माइनस करें तो -4 बचे। हमने पिछले क्वेश्चन जैसे ये 7 3 का क्या किया 21, -7 + 3 कितना बचा है हमारा -4, तो ये ब्रेक हो जाएगा -7z + 3z - 1। इन दोनों में कॉमन निकाला 7 ही कॉमन आएगा, z की पावर यहाँ स्क्वायर है यहाँ z है, आपको मालूम है कि जिसकी वैल्यू कम होती है हम उसे लिखते हैं। उसके बाद 7 के टेबल में 21 का बात है 3 से, z की पावर 2 थी एक बाहर निकाला एक बच गया, और ये 7z पूरा बाहर है कॉमन सिर्फ 1 बचेगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा 1 आएगा, और ये 3z - 1 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को ये दोनों टर्म्स मैच हो गई तो ये 3z - 1 और 7z + 1।
ये मेरा सेवन जेड प्लस वन थ्री जेड माइनस वन, ये मेरा आंसर है। आंसर को मैं चेक कर लेता हूं, फ्रेंड इसका आंसर बुक में बिल्कुल ही गलत दिया गया है, ये आंसर इसका करेक्ट है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये बहुत इजी है, इसमें आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि देखें इसकी पावर भी स्क्वायर है, इसकी पावर भी स्क्वायर है, इसकी पावर फोर है। तो याद रखिएगा ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म में जो है ना वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हो तो उसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है बीच वाले टर्म की, अगर वो इसमें हो, अगर इस तरह नहीं है तो फिर उसकी ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं होती है, ठीक है। अब देखें नाइन वाई स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर, इनको मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस 21 वाई जेड फोर एक साथ लिख लिया, 9 में से 8 निकाला क्योंकि ये बेसिस सेम है, मतलब इनकी ये जो है आपके वेरिएबल सेम है, वाई स्क्वायर है ये भी वाई स्क्वायर, 9 में से 8 निकाला, 1 बचा वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई जेड फोर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, यहाँ पर मेरा वाई की पावर 2 थी, एक वाई बच जाएगा और यहाँ 21 जेड फोर, ये मेरा आंसर है। आई होप फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म इस फॉर्म में हो तो फिर उसकी ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म होती है, अदरवाइज फिर वो ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो पाती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर फोर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले 24, 18 और 27, ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं 3 के, मैंने 3 कॉमन निकाल दिए, 3 8 जा 24, 8 ए स्क्वायर, 3 6 जा 18 ए आ जाए, 6 ए आ जाएगा और 3 3 जा 9 यहां आ जाएगा, ठीक है, 3 9 जा 27। अब आप इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 8 से, 9 8 जा 72। अब आपको कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और प्लस या माइनस करें तो 6 से आए आपका। अब देखिए इसका एक तरीका ये क्या, जो आपका 72 आया आप इसका एलसीएम ले लें, 2 से लिया मैंने 236 से 72, 218 था 36, 2 9 था 18, 2 3 3 था 9 और 3 1 था 3। अब देखें 2 2 था 4, 4 2 था 8, 8 3 था 24, 24 3 था 72, ठीक है, 24 3 था 72, ठीक है। तो अब आप देखें मुझे 6 से लाना है, अब मैं 72 जो है इसको ऐसा कौन सा टेबल है मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मैंने किया 72, देखिए 72 किस तरह आएगा, 12 6 72, अच्छा अब मुझे माइनस 6 लाना है, तो जाहिर सी बात है मैं माइनस 12 प्लस 6 कर दूं तो क्या बचेगा मेरा, माइनस 6। अब ये हमारा ब्रेक हो गया, 8 ए स्क्वायर माइनस 6 ए किस में ब्रेक हुआ, माइनस 12 ए प्लस 6 ए प्लस 9। अब इन दो में मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 8 ए स्क्वायर माइनस 12 ए में, 8 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 के 4 2 और ए स्क्वायर था और ए था, मैंने ए कॉमन निकाल लिया, 4 2 था 8 और ए स्क्वायर था, ए के 12 है तो ए के बच जाएगा और 4 3 था 12, सिमिलरली 6 ए और 9 ए, 6 ए प्लस 9 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस है, फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आपकी बुक में ये प्लस लगा हुआ है, इसको मैंने प्लस से करके देखा तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसका आंसर आयोटा में आ रहा है, तो यहाँ पर अभी एक मान लीजिएगा ये माइनस है तो माइनस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखिए मैंने सबसे पहले 24, 18 और 27 किसके टेबल में आते हैं, 3 के, 3 कॉमन निकाल लिया, मेरा 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब 9 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 8 जा 72। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 72 बने प्लस या माइनस करूँ तो क्या बचना चाहिए, माइनस 6,
मेरा वाला 12 6 72 और -12 + 6 किसके बराबर होता है -6 के। अब देखें 8a² - 6 से जो है वो कितने हिस्सों में ब्रेक हुआ है, -12 + 6 - 9। अब इन दो पेयर्स में मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 8 और 12 किसके टेबल में आते हैं 4 के, 4 एक कॉमन आ गया, 4 के टेबल में 8 का आता है 2 सा और 4 3 सा 12, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 सा 6 2 ए आ गया और 3 3 सा 9। देखिए ये ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मैं एक तरह लिख दूंगा, एक लिख दूंगा, इन दोनों में से एक लिख दूंगा और 4a + 3 जो इनके कॉमन निकाले थे वो एक तरफ कर देंगे। तो फ्रेंड ये है इसका करेक्ट आंसर। ये बुक में क्वेश्चन या तो इसमें प्लस डाला हुआ है तो ये आयोटा के थ्रू हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये माइनस होगा तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 के, हमने चारों पार्ट सोल्व कर लिए, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। अब देखिए इसमें आप किस तरीके से करेंगे, x 4 है इसका स्क्वायर कर लें, ये किसका बनेगा a² + b² 2y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a² + b² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, क्या करते हैं आप एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। अब a यहां पर हमारा क्या है x² तो मैंने ऐड कर लिया 2ab और b क्या है हमारा यहाँ पर 2ab, अब ऐड कर लिया 2ab और माइनस करेंगे ab, a हमारा x² था, b क्या था 2y, इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab, ये किसके बराबर होता है a + b² a हमारे पास x² है, b हमारे पास 2y² आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 4x² y। अब आप देखें ये यहीं तक आंसर रहेगा क्योंकि 4 तो स्क्वायर है लेकिन x भी स्क्वायर बना सकती है लेकिन y का स्क्वायर नहीं बन पाएगा क्योंकि वो y सिंगल है, तो यहीं तक हमारा आंसर होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 6 36, एक्स की पावर 4 इसका एक्स स्क्वायर बनेगा, जेड की पावर 4 इसका भी जेड स्क्वायर बनेगा, ये आपने स्क्वायरिंग कर ली। 9 का क्या होगा 3 और y की पावर 4 इसका स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, y² का स्क्वायर। अब a² + b² इसका कोई फॉर्मूला नहीं, हमने वही करना है एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, a हमारे पास यहाँ पर क्या है 6² जेड स्क्वायर और b का है 3y², ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपने 6² जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3y² का होल स्क्वायर प्लस ऐड कर दिया आपने 2 6 x² जेड स्क्वायर 3y² और सिमिलरली माइनस भी करवा दिया आपने। और यहां पर आपने माइनस भी कर लिया 2ab, a आपका क्या था 6x² जेड स्क्वायर और b आपका क्या था 3y². अब ये पूरा आपका फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab a + b² का, ठीक है, a हमारे पास 6x² जेड स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 3y², ये इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 6 12 12 3 36 36 x² z² y² और z² आ जाएगा, ठीक है। अब ये 36 भी किसका स्क्वायर है 6 का, 6xyz का आपने स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, और ये आपके पास वैसे ही आ गया 6x² z² + 3y² का होल स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a² - b² ये किसके बराबर होता है a + b, a हमारे पास यहाँ पर क्या है 6x² z² + 3y² और b हमारे पास क्या है 6xyz, ये आपने कर लिया a + b और दूसरी तरफ आप कर देंगे a - b। फ्रेंड ये हमने इसका क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये इसका मैंने पीछे आंसर चेक किया तो उन्होंने इसको डायरेक्ट सोल्व किया था, उन्होंने सिर्फ इसमें कॉमन निकाला है 9 और 36 दोनों एक ही टेबल में आते हैं 9 के, 9 मैंने कॉमन निकाल लिया, 9 के टेबल में 36 कब आते हैं 9 4 36, 4 आ गया 4x4z4 प्लस 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 से y4 बचा। बुक में आपका ये वाला इजी तरह कैसे आंसर दिया गया था तो मैंने आपको ये दोनों
पीछे वो फॉर्मूला भी सोल्व करवा दिया और ये इस तरह भी आंसर बता दिया। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ये इसका क्वेश्चन नंबर थ्री, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले फोर का हम स्क्वायर बना ले, टू का बनेगा टी की पावर फोर, उसका स्क्वायर बनेगा टी स्क्वायर का स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 625 बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है 2ab, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया 2ab, ए आपका यहाँ पर क्या है 2t2 और बी क्या है आपका 25। ठीक है, उसके बाद आपने 2t2 प्लस 25 का स्क्वायर इसमें आपने ऐड कर दिया 2ab और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2ab। ठीक है, ये अब आप इसका फॉर्मूला बना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर हमारा क्या है 2t2 और बी क्या है आपका 25, यहाँ पर 2 2 4 4 25 100 100t2 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए यहाँ पर आपका क्या था 2t2 प्लस 25 और बी था आपका 10t, इसी तरह ए माइनस बी, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर फोर। ये पीछे मैं असल में पढ़ा रहा हूँ तो पीछे गली है तो उसमें शायद आप लोगों को पीछे से वॉइस आ रही हो तो प्लीज उसे जो है आप नेगोशिएट कर दीजिएगा और आप जो है वॉइस पे जो है यहाँ पर इसको पे जरा फोकस रखिएगा। ठीक है, इसके बाद करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर। ये इसका क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए फोर किसका स्क्वायर है 2 का, टी की पावर 4 है, इसका स्क्वायर किस तरीके से आप टी के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे 2 2 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पर आपने कर देना एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, 2 a क्या है यहाँ पर 2t2 और b क्या है आपका 1। ठीक है, और इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दिया 2ab। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, ठीक है, अब इनको आप एक पेयर में बना लें, ये पूरा किसके बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है 2t2 और b क्या है आपका 1, ये इसके बराबर हो गया, माइनस 2 2 4 4t2, अब 4 किसका स्क्वायर है आपको मालूम है 2 का, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा आंसर है। इसके बाद फ्रेंड हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। इसमें भी आप ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए 10 1 10, अब आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 बने और उसको प्लस या माइनस करूं तो 3 बने। मैंने किया 5 2 10, 5 में से 2 निकालो कितना बच जाएगा मेरा 3 बच रहा है, तो जो इसके 3 के जो 3 जो है वो 200 में ब्रेक हुआ, किस में ब्रेक हुआ प्लस 5x माइनस 2x, अब इन दोनों में कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है, आपको मालूम है जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है, तो एक्स स्क्वायर था x आ गया तो x बचा प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 का डिविजन 10 आता है, अब ये x आ गया माइनस माइनस प्लस 2 का डिविजन 10 का बात है 5 से, ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, तो ये कॉमन मैं जो था इनको एक साथ लिख लूंगा और जो ब्रैकेट सेम है इनको मैं एक साथ लिख लूंगा। फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आप 10 को आपने इसका कोफिशिएंट या कुछ नहीं है तो 1 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या मेरा बना 10, अब ऐसा कोई नंबर पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 10 बने, प्लस माइनस करूं तो माइनस 3 बने, मैंने वही किया पिछले वाले क्वेश्चन में 5 2 10, अब माइनस 5 प्लस 2 ये कितना बन जाएगा माइनस 3। ठीक है, यही हमें लाना था, तो ये ब्रेक हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 3 ab किस हिस्से में ब्रेक हुआ है माइनस 5 ab प्लस 2 ab माइनस 10, इन दोनों में कॉमन देखिए यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, एक ए बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर है और बी है ए कॉमन बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर था एक ए बाहर कॉमन है, बी स्क्वायर था एक बी बाहर कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ ए बी, माइनस 5 और ए बी पूरा बाहर है तो कुछ नहीं आएगा,
इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि 2 के डिविजन में 10 आता है। ए बी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ए बी है यहाँ पर नहीं है, तो ए बी माइनस 5। ये देखिए ये दो ब्रैकेट सेम आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, ए बी माइनस 5 और ये कॉमन आपने एक साथ लिख दिए, ए बी प्लस 2। फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्या करना है, 98 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, 98 बन जा 98। अब मुझे कोई ऐसा टेबल करना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 98 बने और प्लस या माइनस करूं तो 7 बचे। अब आप करें 14 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, 14 7 जा 98 बनेगा, आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। अब 14 में से आप 7 निकाल दे तो 7 बचेगा जो हमें चाहिए। तो ये 7y के दो पेयर कौन से बचे, 14y माइनस 7y माइनस 98। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला, देखें y स्क्वायर और y है, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ मेरा 1y बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 14। इन दोनों में से कॉमन निकाला 7 आएगा क्योंकि 7 के टेबल में 98 का बात है 14 से, यहाँ मेरा 1y बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 14 था 98। अब ये y प्लस 14 और ये y प्लस 14 सेम आ गए और ये y माइनस 7, ये है इसका आंसर। फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब देखें हमें ये देखना है कैसा कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे 24 है और प्लस या माइनस करें तो 2 है। 6 4 का 24 होता है, 6 में से मैंने माइनस 4 किया तो कितना बचेगा प्लस 2। अब ये 2xyz किस हिस्से में ब्रेक हो रहा है आपका, 2 में, 6xyz में माइनस 4xyz में और माइनस 24। कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xyz, xyz कॉमन आ जाएगा मेरा और xyz मेरा पहली टर्म में बच जाएगा क्योंकि सबकी पावर 2 थी और एक एक 1 बाहर हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। यहाँ मेरा सिर्फ क्या बचेगा, 6 के xyz ऑलरेडी बाहर है, इनमें कॉमन क्या आएगा 4 क्योंकि 4 के टेबल में क्या आता है 24 और ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा पहले टर्म में xyz माइनस माइनस प्लस 4 के टेबल में 24 का बात है 4 6 24, ये ब्रैकेट मेरे सेम आ गए। तो xyz प्लस 6 और xyz माइनस 4, ये इसका आंसर हो गया। फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने तमाम पार्ट कर लिए, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, इसको सॉल्व करते हैं। आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 121 से, ये आपका बन रहा है 242। अब आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ लिया जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 242 बने और प्लस या माइनस करूं तो 11 बने। देखिए मैंने किया कैलकुलेटर में, 11 को मल्टीप्लाई करें आप 22 से तो आपका बनता है 242, ठीक है, और 22 में से आप 11 माइनस कर दें तो कितना बचता है आपका, मैंने 22 में से 11 माइनस किया मेरा बच रहा है 11, ठीक है, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। अब 121x4 प्लस 22x2 माइनस 11x2 प्लस 2, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 22 और 121 में, 11 कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्वायर, 11 11 11 21 x2 माइनस 11 कोई कॉमन नहीं आ रहा 1 निकाला 11 x2 माइनस प्लस माइनस तो फ्रेंड ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते आप लिख देंगे ये इस वजह से नहीं बन रहे क्योंकि इनका ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, नो फैक्टर्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें इसको आप ये जो z स्क्वायर है ना आप इसको सपोज कर ले लेट z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z और जब ऑटोमेटिकली क्या होगा z 4 जो है वो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये आपका बन जाएगा z 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जेड स्क्वायर अगर जेड के बराबर है तो जेड फोर किसके बराबर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर के बराबर, ठीक है,
फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू, इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले इनमें मैंने कॉमन निकाल लिया, टू कॉमन आ रहा है क्योंकि 42 भी आता है, 50 भी आता है और रेड भी आता है। 221 द जेड फोर प्लस 225 द जेड स्क्वायर प्लस 24 द 8, ठीक है। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो 42 बनेगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो 50 बनेगा और 2 को 4 से किया तो 8 बना मेरा। अब देखें 4 को 21 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरा बन रहा है 84, ठीक है। और अगर मैं 21 के अंदर ही प्लस 4 कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 25, ठीक है। तो ये जो मेरा ब्रेक हो गया वो किस में होगा, 21 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब जो आपके पास बुक में आंसर है वो थोड़ा उसमें मिस्टेक है, अगर आप देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है 21 जेड स्क्वायर, तो मेरा क्या बच रहा है जेड स्क्वायर प्लस 1, और इनमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है 4, और मेरा ब्रैकेट में क्या बच रहा है जेड स्क्वायर प्लस 1। अब आप 21 जेड स्क्वायर प्लस 4 एक साथ लिख लें और जेड स्क्वायर प्लस 1 एक साथ कर लेंगे, तो फ्रेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये बल्कि ठीक है, आपकी बुक में भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 4 20, अब देखें ऐसा कोई टेबल पढ़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 20 है और प्लस या माइनस करूं तो 12 बने। मैंने किया 2 10 20 और 2 में प्लस 10 कर दूं तो कितना बनेगा 12। तो जो 12 के फैक्टर बने वो कौन से बने हैं, 2 और 10, 12 जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है 2 में, तो 2x प्लस 10x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और या x की पावर स्क्वायर है और या x की पावर 1 है, तो x 1 बाहर आ जाएगा, जिसकी पावर 1 है वो बाहर आ जाएगा। अब 2 का डिविजन 4 का पता है 2 से, 2x और 2x ऑलरेडी पूरा कॉमन बाहर है तो 1 बचेगा। अब 5 के डिविजन में 10, 5 और 10 में कॉमन 5 10x प्लस 5 में 10x 10x प्लस 5 10x और 5 में आपका कॉमन क्या आ रहा है 5। 5 के डिविजन में 10 का पता है 5 टू द 10 2x, 5 के डिविजन 5 का पता है 1। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या हो गए सेम, 2x प्लस 1 और 2x जो आपके कॉमन थे उनको आपने एक साथ लिख लिया, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद फ्रेंड करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखें 13 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, ये बनेगा आपका 39। अब आपको कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 39 बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस 38 बने। आप देखें 39 को मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 39, और माइनस 30 और माइनस 39 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस 38 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस 38 एक्स वाई ये दो हिस्से में ब्रेक होगा किसमें, माइनस 39 एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 13 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए 3 कॉमन आ गया और यहाँ पर x की पावर 2 थी, यहाँ पर एक x है, x आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पहले टर्म में x बच गया, 3 के टेबल में 39 का बाद है 3 13 39 और y आ जाएगा हमारा। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या रहा है, यहाँ y है यहाँ y स्क्वायर है, y आ जाएगा, x बच गया माइनस 13, y की पावर 2 थी, एक y बाहर है एक y अंदर बच जाएगा। ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, इन दोनों को हमने एक साथ लिखना है। उसके बाद ये और ये जो कॉमन हमारे निकले इनको एक साथ लिख लें, ये फ्रेंड हमारा आंसर है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, बुक में भी आंसर यही है। तो फ्रेंड हमने क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 6 रिजोल्व इनटू फैक्टर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप इसका 80 आपने पहले रीअरेंज करने लेना टर्म्स को, ठीक है, रीअरेंज द टर्म्स कौन कौन सी, 81x4 प्लस 16y4 और उसके बाद ये 36x2y2 इनको एक तरफ कर देना। अब आप इसका स्क्वायर कर लें, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का और x स्क्वायर का आप स्क्वायर कर लें, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4y का आपने स्क्वायर कर लिया। अब आप इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ab
टू, ए मेरा यहाँ पर क्या है 9x2 और बी मेरा क्या है यहाँ पर 4y2, ठीक है। इनको मैंने कर लिया ब्रैकेट में और मैंने माइनस 2ab करना है। 2 ए मेरा क्या है 9x2 और बी मेरा क्या है 4y2 और प्लस 36x2y2 यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, a2 + b2 + 2ab किसके बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। a यहां पर 9x2 है और b मेरा 4y2 है, इसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 9 = 18, 18 4 = 18 करेंगे 72x2y2 + 36x2y2, ठीक है। ये 9x2 + 4y2 वैसे ही आ जाएगा। माइनस 72 प्लस 36 तो कितना बचेगा माइनस 36x2y2। अब आप 9x2 प्लस 4y2 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 6 का, 6xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ए यहाँ पर मेरा क्या है 9x2 प्लस 4y2, ये मेरा पूरा a है और b मेरा क्या है यहाँ पर 6xy। इसी तरह a प्लस बी और a माइनस बी, मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ फ्रेंड बुक में। तो फ्रेंड हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक आया है, बुक में भी ये बिल्कुल आंसर ठीक है। आई होप कि फ्रेंड ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए थे। यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया जो बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, और यहाँ ये हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। आई होप के फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। अब कौन कौन से टर्म को हमने अरेंज करना है x4 प्लस 25। अब इसका स्क्वायर बना लेते हैं। x4 किसका स्क्वायर बनेगा x2 का होल स्क्वायर और 25 किसका बनेगा 5 का स्क्वायर। यहाँ हमने ऐड कर देना 2ab, 2 a मेरा क्या है यहाँ पर x2 और b मेरा क्या है 5, इनको मैंने कर लिया ब्रैकेट में। इसी तरह माइनस 2ab कर लेते हैं, x2 a में है मेरा और b क्या है 5 प्लस x2, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a2 प्लस b2 प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a मेरा यहाँ पर क्या है x2, b मेरा क्या है यहाँ पर 5, ये इसके बराबर हो गया। माइनस 2 5 10 x2 प्लस x2 ये वैसे ही आ जाएगा। 10x2 प्लस माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 बचेगा और माइनस 9 किसका स्क्वायर आपको मालूम है 3 का, 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है a प्लस बी, a मेरा यहाँ पर क्या है x2 प्लस 5 प्लस 3x और b मेरा क्या है b मेरा यहाँ पर 3x है, a प्लस बी और a माइनस बी। फ्रेंड ये आंसर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से। फ्रेंड्स आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो बता देते हैं। हमने यूज किया था a2 माइनस b2 इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ हमने यूज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है a2 प्लस 2ab, a2 प्लस b2 प्लस 2ab। तो फ्रेंड आई होप के ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपने पहले 8 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, 8 बंदा 8, ठीक है। अब आपको क्या लाना है माइनस 7, ऐसा कोई टेबल पढ़ ला उसको मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए प्लस माइनस करूं तो माइनस 7 आए। मैंने 8 को ही 1 से मल्टीप्लाई किया 8 बना और माइनस 8 प्लस 1 कितना बन जाएगा माइनस 7।
तो इसके पेयर कौन से किस पे ब्रेक होगा, 8y² + y² - 8। कॉमन निकालो, इसमें y4 है इसमें y2 है, y2 कॉमन आ जाएगा, यहां y की पावर 4 थी, y2 कॉमन बाहर निकाल ले, तो y2 हमारा इस फर्स्ट टर्म में बचा और इसमें 8 बचा, इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं आया तो 1 आएगा, 1y² - 8। ये ब्रैकेट सेम आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा और ये y² + 1 आप एक साथ लिख देंगे, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप रीअरेंज कर लें टर्म्स को। इनको मैंने एक साथ लिख लिया और मेरा 97a² b² मैंने अलग कर लिया। 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का, a की पावर 4 है तो ये a² 4a² का होल स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9b² का होल स्क्वायर। एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना 2ab, 2a मेरा यहाँ पर क्या है 4a² और b मेरा क्या है 9b² इनको मैंने ब्रैकेट में कर लिया। यही खत्म हो गया। इसके बाद -2ab किया, 2a मेरा यहाँ पर क्या है 4a², b मेरा क्या है 9b² और ये प्लस -97a² b² वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा किसके बराबर हो रहा है, a² + b² + 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। वो आ गया मेरा -2 4 8 8 9 72, a² b² -97a² b² ये आ गया 4a² + 9b² का होल स्क्वायर। अच्छा -72 और -97, ये हो गया 169a² और b² अब 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 169 बनता है, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर बना लिया। अब ये पूरा a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a मेरा यहाँ पर क्या है 4a² + 9b² और b क्या है मेरा 13ab, तो हमने कर दिया a + b और a - b। ये मेरा आंसर आ गया। फ्रेंड आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व कर ली है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके बाद फ्रेंड ये आगे भी सॉल्व होगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। फ्रेंड ये आगे भी सॉल्व होगा, अब देखिए 4a² + 9b² + 13ab, ये एक आप अलग इसको पेयर, इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें, 4a² + 9b² - 13b अलग ब्रैकेट में। अब यहाँ हमने इसका स्क्वायर किया 2a² + 3b² एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, एड किया यहाँ पर 2ab और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 2ab प्लस 13ab, ये पूरी जो टर्म है ये हमारी इस लाइन में आई है, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है मैंने यहाँ सॉल्व किया, इसमें भी ये किया एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, अब इससे हुआ क्या, ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, a + b का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 - 2 - 4 - 4 - 12 - 12 + 13 - 12 + 13 + 1 बचेगा, प्लस ए बी आ गया। इसी तरह ये पूरा किसके बराबर हो गया, 2a + 3b का होल स्क्वायर, -2 - 4 - 4 - 12 - 12 ab और -13 ab, ये किसके बराबर होगा, -25 ab, ये आंसर आ गया। अब आप आगे इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं, अगर स्क्वायर होता तो फिर a² - b² का फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि ए बी है, ए बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो फिर यहीं तक है, ठीक है फ्रेंड। ये हमने आज एक्सरसाइज 1.0, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।